गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल करते हुए अपनी सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महज 5 सीटों पर ही जीत हासिल की, लेकिन ये संख्या भले ही कम हो लेकिन आपके नेता गुजरात में इसे पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी माना है कि गुजरात चुनाव में 5 सीटों पर भी जीत दर्ज करना आसान काम नहीं था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम के दौरान गुजरात में 5 सीटें हासिल करने की तुलना बैल से दूध निकालने से कर दी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पहले आप सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए, इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 MLA पहली बार में, और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े, और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं आपकी सरकार नहीं बनी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि बैल से दूध निकालना आसान नहीं था, लेकिन हमने ये भी कर दिखाया है। वहीं सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कई यूजर्स उन्हें अलग अलग तरीके से उन्हीं की बातों में उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे अपने बयान को जारी रखा और भारत सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर चीन ऐसे ही आक्रमणकारी हो रहा है तो आखिर हम चीन के सामानों का बहिष्कार क्यों नहीं करते। मोदी जी ऐसा नहीं करते, बल्कि चीन के बीजिंग को बड़े बड़े ट्रेड ऑफर्स दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना जिस तरह से हमारे ऊपर जब कब छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे देश के जवान बॉर्डर के ऊपर चाइना का डट के मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं, कई जवानों ने अपनी जान दे दी, उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं नहीं सब ठीक है, मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि नहीं नहीं सरकार ठीक नहीं है। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है, कई सैनिकों की जान चली गई, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। 2020-21 में, यानी कि पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा उससे, और सामान। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों?